नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिनभर में। आपके साथ मैं हूं मुकेश गुप्ता। दिनभर की भागदौड़ के बीच आपसे आपके काम की कोई खबर छूट ना जाए, इसके लिए हम लाए हैं खबरों का डेली डोज। आपको दिनभर की खबरों से रूबरू कराएं, उससे पहले एक नज़र डालते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। राजधानी दिल्ली में कश्मीरी गेट के पास चोर गुफा, लोगों के साथ लूटपाट के बाद चोर गुफा में हो जाते थे गायब। त्योहारी सीजन में 6 महीने बाद दिल्ली से बाहर बस सेवा शुरू, अंतर्राज्यीय बस सेवा से लोगों को मिलेगा बड़ा फायदा। दहेज न मिलने पर पत्नी के हाथ पैर तोड़े, करवा चौथ से पहले आई कलंकित करने वाली खबर। बाहरी दिल्ली के रोहिणी इलाके में एक निजी अस्पताल की पार्किंग में एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की सनसनीखेज वारदात, अस्पताल की पार्किंग में हुआ महिला के साथ रेप। देश में घटे लेकिन दिल्ली में बड़े कोरोना केस, राजधानी में नहीं थम रहा है कोरोना का कहर। दिल्ली में दिन दहाड़े चोरी और स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देकर गायब हो जाने वाले एक शख्स को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये शख्स दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में बने फ्लाईओवर के नीचे बनी गुफा में गायब हो जाता था। ये उस वक्त हिरासत में आया जब एक महिला का पर्स छीनने के बाद इस गुफा में गायब होने की फिराक में था। देखिए कैसी थी गुफा और कैसे पुलिस ने अपनी सूझबूझ से इस शातिर चोर को हिरासत में ले लिया है। दिल्ली में चोरों की गुफा, चोरी कर इस गुफा में छिपते थे चोर। पुलिस ने किया भंडाफोड़, गुफा से ही दबोचा चोर। राजधानी दिल्ली से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां दिल्ली पुलिस को एक चोरों की गुफा मिली है। मामला कश्मीरी गेट के पास बने फ्लाईओवर के नीचे का है, जहां चोरों के अड्डे का खुलासा हुआ है। ये खुलासा तब हुआ जब एक दिल्ली पुलिस के अफसर एक चोर का पीछा कर रहे थे, लेकिन चोर अचानक गायब हो गया और पुलिस ने इस गुफा का पता लगा लिया। दरअसल ये चोर एक महिला का पर्स और मोबाइल छीन कर भाग रहा था। जैसे ही वहां मौजूद पुलिस को इस बात की भनक लगी तो वो इस चोर का पीछा करने लगी, लेकिन ये चोर मौका पाते ही इस गुफा में घुस गया। लेकिन पुलिस ने हार नहीं मानी और फ्लाईओवर के नीचे करीब 1 घंटे तक छानबीन करती रही और आखिरकार इस चोर गुफा का पता लगा ही लिया। बताया जा रहा है कि इन चोरों का गैंग चोरी करके इस गुफा में छिप जाते हैं, लेकिन अब पुलिस को इस गुफा के बारे में पता चल गया है। फिलहाल पुलिस ने इस चोर को पकड़ लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है और उससे उसके दूसरे साथियों के बारे में जानने की कोशिश की जा रही है। पंजाब केसरी ग्रुप के लिए करुणा ठाकुर के साथ आनंद कुमार की रिपोर्ट, दिल्ली। कोरोना काल से बंद पड़ी दिल्ली के अंतर्राज्यीय बस सेवाएं लगभग 6 महीने बाद अब शुरू हो गई है। त्योहारी सीजन में इन बसों के शुरू होने से दिल्ली वासियों के चेहरे पर चमक नजर आ रही है। ये बसें दिल्ली से सटे हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल और उत्तराखंड में अपनी सेवाएं फिर से शुरू करेंगी। पेश है रिपोर्ट। कोरोना महामारी के बीच अब फेस्टिवल सीजन शुरू हो गया है और ऐसे में दिल्ली सरकार ने यात्रियों को बड़ी राहत दी है। जी हां, आज से दिल्ली में अंतर्राज्यीय बस सेवाएं शुरू हो गई हैं। अब लोग त्योहारों पर अपनों से मिलने दूसरे राज्यों में जा सकेंगे। ये सेवाएं दोबारा शुरू होने से यात्रियों की सहूलियत बढ़ जाएगी तो दूसरी तरफ यात्रा के मद में खर्चा भी कम होगा। दिल्ली में 3500 से ज्यादा अंतर्राज्यीय बसें सड़क पर उतारने से लोगों को फायदा मिलेगा। अब से रोजाना यात्रियों को उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड समेत आसपास के तमाम राज्यों के अलग अलग शहरों में पहुंचना आसान हो जाएगा। हालांकि कोरोना काल में बस सेवाएं शुरू होने पर यात्रियों के साथ साथ कर्मियों को सभी एहतियातों का पालन करना जरूरी है। बता दें, दिल्ली से उत्तर प्रदेश के अलग अलग राज्यों से रोजाना 1519 बसें यात्रियों को सेवाएं देंगी। हरियाणा रोडवेज की 757, उत्तराखंड के लिए 313, पंजाब के लिए 139, हिमाचल प्रदेश से 128, पेप्सू की 75,
राजस्थान की 254, CTU की 18, जम्मू कश्मीर की 11, गढ़ हापुड़ की 40, जबकि दिल्ली की निजी बसें 213 होंगी। तीनों बस अड्डे पर सेवाएं शुरू करने की तैयारी भी लगभग पूरी हो चुकी है। हालांकि चुनौती बस के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करवाने की है। दरअसल बस की सभी सीटों पर यात्रियों को सफर करने की इजाजत दे दी गई है, लेकिन संक्रमण से बचाव के लिए कम से कम 1 मीटर की दूरी का पालन करना जरूरी होगा। और ये पालन किस तरह से होगा, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि तय SOP का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं, बावजूद इसके वास्तविकता में इसे लागू करने में परिवहन समेत अन्य संबंधित विभागों की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप, दिल्ली। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में दहेज की मांग पूरी न होने पर एक महिला के हाथ पैर तोड़े जाने का मामला सामने आया है। गाजियाबाद के पटेल नगर इलाके में रहने वाली एक विवाहिता का आरोप है कि ससुराल पक्ष के लोगों ने दहेज की मांग पूरी न होने पर उसके साथ इतनी बुरी तरह से मारपिटाई की कि उसके शरीर के कई अंग बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। करवा चौथ से पहले इस खबर के बाद लोग भी काफी गुस्से में हैं। दिल्ली से सटे गाजियाबाद से एक बेहद शर्मनाक खबर सामने आई है, जहां दहेज के लोभी ससुराल वालों ने एक विवाहिता के हाथ पैर तोड़ दिए। मामला गाजियाबाद के पटेल नगर का है, जहां रजापुर की लड़की की शादी अंकुर नाम के लड़के से करीब 2 साल पहले हुई थी। अंकुर जल कल विभाग में ऑपरेटर है। शादी के बाद से ही आरोपी और उसके परिवार वाले दहेज के लिए लड़की को प्रताड़ित करते थे, लेकिन करवा चौथ से पहले पति ने घर वालों के साथ मिलकर अपनी पत्नी के हाथ पैर ही तोड़ दिए और घर से फरार हो गए। फिलहाल पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और ससुराल वालों को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप, दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली से एक शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। दिल्ली के रोहिणी इलाके में एक अस्पताल की पार्किंग में एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। महिला की शिकायत पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को धर दबोचा है। इन 3 लोगों में से एक पार्किंग का गार्ड भी शामिल था। राजधानी दिल्ली से एक शर्मनाक खबर सामने आई है, जहां एक निजी अस्पताल की पार्किंग में एक महिला के साथ सामूहिक रेप किया गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस वारदात में 2 एक्स एम्प्लॉय और सुरक्षा गार्ड भी शामिल हैं। मामला रोहिणी के निजी अस्पताल की पार्किंग का है, जहां इस महिला को 3 लोगों ने बुलाया और उसके साथ ये खौफनाक हरकत की। वहीं जैसे ही इस बारे में पुलिस को जानकारी मिली, पुलिस ने सुरक्षा गार्ड समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इन लोगों ने उसे ये जानने के लिए कि क्या वो ऑथराइज है वहाँ रहने के लिए या नहीं है करके उसे चेक किया और इस चीज़ का नाजायज फ़ायदा उठाते हुए उसको साइट में ले गए थे और कहीं पार्किंग के आइसोलेशन प्लेस पे उसके साथ ये हरकत की है। तो इसमें पुलिस ने पूरा एक्शन ले लिया है, बाकी एविडेंसेस भी हमने कलेक्ट कर लिए हैं इनके अगेंस्ट जो भी चीजें थी, और ये जैसा मैंने बताया ये अरेस्ट किए जा चुके। सर, ये जो आरोपी है इनका नाम बता सकते हैं सर? तीनों आरोपी एक्यूज के नाम सर? तो जैसा मैंने बताया 2 वहाँ के एक्स एम्प्लॉय थे जो अब वहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं, वो बाउंसर्स की नौकरी करते थे, और एक वहाँ का करंट सिक्योरिटी गार्ड है जिसका कंवर पाल नाम है, और बाकी के 2 आरोपियों के नाम थे एक प्रवीण तिवारी है और मनीष। इन 3 को गिरफ्तार कर लिया जी, ये 3 गिरफ्तार हो चुके। थैंक यू सर। बताया जा रहा है कि इस वारदात में 2 एक्स एम्प्लॉय भी थे, इनमें से एक यहीं पर बाउंसर का काम करता था। फिलहाल पुलिस ने 3 को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अंबेडकर अस्पताल में महिला का इलाज चल रहा है, जहां उसकी हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। पंजाब केसरी ग्रुप के लिए अनिल अत्री के साथ करुणा ठाकुर की रिपोर्ट, दिल्ली।
देश भर में कोरोना को लेकर अच्छी खबर सामने आई है, लेकिन राजधानी दिल्ली में कोरोना को लेकर नेगेटिव खबर लोगों के लिए टेंशन बन गई है। पूरे देश में जहां कोरोना के केस कम हो रहे हैं, वहीं राजधानी दिल्ली और मिजोरम में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 15 दिनों में कोरोना की रफ्तार दिल्ली में सबसे ज्यादा बढ़ी है। पेश है एक रिपोर्ट। दुनिया के कई देशों में कोरोना वायरस की दूसरी लहर कहर बरपा रही है। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन में तो कोरोना केसों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। यही वजह है कि फ्रांस और ब्रिटेन में तो कोरोना पर काबू पाने के लिए दूसरा लॉकडाउन तक लगा दिया गया है। वहीं इटली, स्पेन, चेक रिपब्लिक, जर्मनी और आयरलैंड समेत कई देशों ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को और ज्यादा सख्त कर दिया है। भारत में खुशी की बात यह है कि कोरोना केसों में तेजी में कमी देखने को मिल रही है। रिकवरी रेट भी 90% के पार है, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में आंकड़े डराने वाले हैं। यहां कोरोना की चाल पूरे देश से उल्टी है। राजधानी दिल्ली में पिछले 2 हफ्ते में कोविड-19 के मामले बढ़े हैं। दिल्ली में पिछले 2 हफ्ते के भीतर 59,199 नए मामले दर्ज किए गए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो यह आंकड़ा देश में 3rd नंबर पर है। 4 अक्टूबर से 18 अक्टूबर के बीच आए मामलों से तुलना पर पता चलता है कि पिछले 2 हफ्तों में 45% केस बढ़ गए हैं। तब 40,611 नए मामले दर्ज किए गए थे। दिल्ली में सोमवार को 4,001 नए मामले दर्ज किए गए। राजधानी में पॉजिटिविटी रेट भी 11% के करीब है। पिछले कुछ दिनों में केसों में खासी तेजी देखने को मिली है। लगातार 5 दिनों तक 5,000 से ज्यादा केस आने के बाद सोमवार को 4,000 मामले दर्ज किए गए। इससे पहले लगातार 5 दिन तक दिल्ली में 5,000 से ज्यादा केस आए। ये सिलसिला रविवार को थमा। राजधानी में अब तक 6,604 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि राजधानी में अब भी 33,000 से ज्यादा सक्रिय मामले हैं। वहीं दिल्ली को लेकर एम्स डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया भी पहले ही बता चुके हैं कि दिल्ली में कोरोना की दूसरी लहर एक्टिव है, जिसके लिए उन्होंने बढ़ते प्रदूषण, मौसम में बदलाव, त्योहारी सीजन और लोगों की लापरवाही यानी मास्क न लगाने की आदत को सबसे बड़ी वजह बताया है। सोमवार को देश भर में 37,374 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि पिछले सोमवार यानी कि 26 अक्टूबर को 36,604 नए मामले सामने आए थे। यह आंकड़ा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले 6 सोमवारों में नए मामले कम होते दिखे हैं। इस बार आंकड़े शायद इस ओर इशारा कर रहे हैं कि कोविड-19 कर्व पिछले 7 हफ्तों से लगातार गिरने के बाद अब फ्लैट होने लगा है। हालांकि यूरोपीय देशों को देखा जाए तो यहां कोरोना की दूसरी लहर में कोरोना और ज्यादा घातक होकर वापस लौट रहा है और अब पहले की ही तरह मामले आने लगे हैं। ऐसे में जरूरी है कि कोरोना की दूसरी लहर से पहले भारतवासी वो गलतियां ना दोहराएं जो दुनिया के कई देशों में की गई है। पंजाब केसरी ग्रुप के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।